नमस्कार दोस्तों, ए मिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके रहस्य को आज तक विज्ञान और धर्म भी नहीं सुलझा पाए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लेपाक्षी मंदिर के बारे में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि क्या है इस मंदिर का रहस्य है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों लेपाक्षी आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर में स्थित एक छोटा सा गाँव है। पौराणिक मान्यता है कि यह रामायण कालीन वही जगह है जहां रावण से युद्ध के पश्चात घायल होकर जटायु गिरा था। यह गांव 16वीं शताब्दी में बने अपने कलात्मक लेपाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता है। दोस्तों यह मंदिर काफी बड़ा है तथा इस मंदिर परिसर में भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित 3 मंदिर है। दोस्तों लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कुल 70 खंभों पर खड़ा है जिसमें से एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं बल्कि हवा में लटका हुआ है। इस एक झूलते हुए खंभे के कारण इसे हैंगिंग टेंपल कहा जाता है। यह पिलर भी पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, पर एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए कि यह मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, यह जानने के लिए उसने उसको हिला दिया, तब से यह पिलर झूलता हुआ ही है। दोस्तों यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इसके नीचे से कपड़ा निकालने से सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण 1583 में 2 भाइयों वीरूपन्ना और वीरन्ना के ने कराया था जो कि विजयनगर में राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता यह है कि इस लेपाक्षी मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। दोस्तों एक मान्यता यह भी है कि यह रामायण कालीन वही स्थान है जहाँ रावण से युद्ध के पश्चात घायल होकर जटायु गिरा था। जब राम सीता को तलाशते हुए वहाँ पहुंचे तो उन्होंने उस घायल पक्षी को देखकर कहा, लेपाक्षी यानी कि उठो पक्षी। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है। दोस्तों यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।